जिला बिलासपुर के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परमिंदर सिंह ने पत्रकारों को बताया कि औसत के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर जिला बिलासपुर कोविड-19 की सैंपलिंग एवं टेस्टिंग में नंबर 1 पर यानी कि सर्वोच्च स्थान पर है। गौरतलब है कि बिलासपुर में अभी तक कुल 134 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं, जिसमें 65 लोग उपचार के लिए भर्ती हैं और 69 ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। हालांकि अगर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो इनमें सर्वाधिक आंकड़ा एम्स साइट कोठीपुरा में काम करने आए श्रमिकों का है, जिनका आंकड़ा 51 तक पहुंच गया है, तथा दूसरे नंबर पर दिल्ली से आने वाले लोगों का है। इन लोगों का आंकड़ा 39 है, जो अपने घरों के लिए आ रहे हैं। वहीं बिलासपुर में कोविड-19 की सैंपलिंग का प्रति राष्ट्रीय प्रतिशत से ज्यादा है। यहां पर अभी तक लगभग 7100 से अधिक सैंपलिंग हो चुकी है, जिसमें से 134 मामले पॉजिटिव सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बिलासपुर में कोविड के सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि किसी को ये बीमारी है तो जल्दी से डिटेक्ट किया जा सके और उनका समय पर इलाज किया जा सके। इससे उनका इलाज तो होगा ही, लेकिन जो उसके नए संपर्क में आते हैं वो भी बच जाते हैं, ताकि आगे एक दूसरे के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा लोग न आ सके। उन्होंने कहा कि बिलासपुर में अत्यधिक सैंपलिंग की जा रही है, ताकि इसमें रहते हुए रिपोर्ट का पता लग सके, ताकि ये बीमारी किसी अन्य लोगों तक ना पहुंच सके। जिला बिलासपुर में कोविड-19 के अभी तक हमारे पास 134 पॉजिटिव केस हमने डिटेक्ट किए हैं, जिसमें से जो 59 लोग हैं उनका इलाज हमारे जो कोविड केयर सेंटर है वहां पे चला हुआ है। बाकी जो लोग हैं वो ठीक होकर अपने अपने घरों में जा चुके हैं। और ये जो 59 जिनका इलाज चला हुआ है, 59 लोग हैं, इनमें से भी ज़्यादातर जो लोग हैं, पेशेंट हैं, वो एम्स कोठीपुरा से आए हैं। एम्स कोठीपुरा में रिसेंटली जो लोग बाहर के राज्यों से जो लेबर आई थी, उनमें से बहुत ज़्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। तो एम्स के टोटल हमारे पास 51 पिछले 10 दिनों में 51 केस पॉजिटिव आए हैं। तो ये एकदम से हमारे पास नंबर बढ़ा है कोविड के पेशेंट्स का। और ओवरऑल भी देखा जाए तो जो अब हमारे पास 134 केस आए हैं, इनमें से देखिए आप 51 तो एम्स के ही आ गए और 39 लोग हैं वो दिल्ली से आए हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि टोटल तकरीबन 90 लोग हैं ये जो दो स्टेट से आए हैं। और टोटल जितने केसेस हैं इनमें से भी 99% केसेस हैं वो बाहर के हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी हिस्ट्री हमें पता ना चली हो कि वो कहाँ कहीं बाहर नहीं गया है। तो इसलिए इसमें बोलने मैं ये चाह रहा हूँ कि ओवरऑल जो केसेस हैं वो बाहर से रिलेटेड हैं या उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ऐसी है जो बाहर से लोग आए हैं। तो प्रशासन क्या कर रहा है, देखिए अभी तक तो हमारी सैंपलिंग काफ़ी ज़ोर शोर से चली हुई है। हमने 7100 सैंपल्स अभी तक ले लिए हैं और हमारी जो सैंपलिंग की एवरेज है वो भी नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सैंपल कर रहे हैं, ताकि किसी को ये प्रॉब्लम है तो वो बीमारी हम जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करें और जल्दी ही उनका इलाज करें। इससे उन व्यक्तियों का तो इलाज होता ही है, लेकिन जो उसके नए संपर्क में आने वाले व्यक्ति होते हैं वो बच जाते हैं। हम किसी को बीमारी को जल्दी पकड़ेंगे तो वो और लोगों को वो बीमारी नहीं फैला पाएगा। तो इस तरह से सबसे बड़ा काम तो हम ये करें कि सैम्पलिंग अच्छी करें, अपनी तरफ से कोशिश करें कि सैम्पलिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा पॉजिटिव केसेस मिल जाएं, ताकि ये और लोगों तक बीमारी ना पहुंचे।